केरला, अगर मैं केरला रेलवेज की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 1050 किलोमीटर के लेंथ में रेलवे लाइंस बिछ गई है और आप जानते हो यहाँ पे टोटल 933 लाइंस है जो कि है बोर गेज और 117 लाइंस है जो कि है मीटर गेज। और आज की डेट ऑफ जर्नी एक और नया दिन, एक और नया सफर। आज मैं हूँ केरला के एर्नाकुलम में और आज का मेरा सफर होने वाला है एर्नाकुलम से पनवेल के बीच में जो कि होने वाला है मरुसागर एक्सप्रेस 12977 मरुसागर एक्सप्रेस जो कि एर्नाकुलम से निकलती है और अजमेर को जाती है। एर्नाकुलम से 8:20 पे निकलती है और एक दिन के बाद में अजमेर पहुँचाती है 3:25 पे। और हमारी आज की जर्नी इसी ट्रेन में होने वाली है जो कि होने वाली है एर्नाकुलम से लेके पनवेल के बीच में, और ये एर्नाकुलम से 8:20 पे निकलेगी और कल रात शाम को 7:25 पे हमें पनवेल पहुँचाएगी। आप देख सकते हो कि हमारी ट्रेन मरुसागर एक्सप्रेस में जो कि एर्नाकुलम से जाती है अजमेर के बीच, उसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जा रहा है जो कि है WDP 7, और ये भगत की कोठी का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया गया है इसमें। और आप जानते हो जैसे अभी जोधपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आ चुके हैं, तो ये अब भगत की कोठी का जोधपुर रेलवे का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो कि है WEB 7। आज का सफ़र हमारा लोकल में होने वाला है क्योंकि हमें कंफर्म टिकट मिल नहीं रही थी, इसलिए हमने सोचा कि लोकल में ट्रैवल कर देते हैं। और लोकल में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए प्रॉपर कंटेंट नहीं आ पाएगा, और जितना ट्राई करेंगे जितना आता है उतना बनाएंगे और बाकी देखते हैं जैसा होता है। कहते हैं ना, वही होता है जो लिखा हुआ होता है। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है ऑन टाइम 8:25 पे एर्नाकुलम जंक्शन पे। हे गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं उडुपी जंक्शन स्टेशन को UD, और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन यहाँ पे 5:40 पे आ चुकी है और 6:10 का यहाँ पे टाइम था, आधा घंटा अर्ली आई है। और मतलब एर्नाकुलम के बाद में ब्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि लोकल में आज सफ़र है और लोकल में आप मालूम ही है भीड़ का होता है, इसलिए सब मतलब अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाते और ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे अगर UDP में ट्रेन नंबर ऑफ ट्रेन होल्टिंग की बात करें तो 67 ट्रेन यहाँ पर होल्ट करती है और 1 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 1 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है। और ये 18 मीटर अबाउट द सी लेवल है, 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और सफ़र बहुत शानदार। आप जैसे देख सकते हो ग्रीन व्यू वगैरह मेरे पीछे। और अगर मैं मरुसागर एक्सप्रेस की बात करूं तो इसको ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और इसमें रैक लगे हुए हैं LHB। Thank you.
हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है 40 मिनट के लिए मडगांव रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है NKO। इसका स्टेशन कोड है NKO और यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म पर 6 ट्रेन यहाँ पर रेलवे हॉल चलती है और 16 ट्रेन यहाँ से रिटर्न होती है और 16 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनल होती है। और ये जोन पड़ता है फोनटिन रेलवे और डिवीजन लगता है।